हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? देख रहे हैं टेक्निकल स्मार्ट एडवाइस यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि मैं इस वीडियो में आपको जो है स्विच बोर्ड के कनेक्शन करने के बारे में जो है बताने वाला हूँ, ठीक है। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ था, मतलब कि व्हाइट बोर्ड पर जो है कि आप अगर अपने घर की वायरिंग करना चाहते हैं खुद ही, जो है बिल्कुल आपको किसी मिस्त्री को बुलाने की जरूरत नहीं है, जो है अपने घर में किस तरह वायरिंग जो है आप लाइट का, फैन का और एक साकेट का जो है मतलब कि वायरिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि बोर्ड में जो है बोर्ड स्विच बोर्ड जो जहाँ से कि आप मोबाइल चार्ज करते हैं, चाहे लाइट ऑन करते हैं, फैन चालू करते हैं, जो है उसका कनेक्शन आप जो है किसी को, मैंने दो लाइट का कनेक्शन लगाया हुआ है, मतलब उसमें दो लाइट का व्यवस्था है, दो फैन है, एक सॉकेट है, ठीक है, और जैसे कि इंडिकेटर है और स्विच है, और ठीक है उसका कनेक्शन आप जो है किस तरह से करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में उसको आप जो है सीखने वाले हैं। तो मैं आपसे ये बोलूँगा कि वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा, ठीक है, अगर आप उसको अच्छी तरह से सीखना चाहते हो, ठीक है। और फिर मैं हमसे तरह एक बार बोलता हूँ कि अगर कुछ आपको ऐसा लगे कुछ छूट रहा है, कुछ समझ नहीं आ, डाउट आ रहा है जो है, तो आप कमेंट करिएगा और उसका जो है आंसर जो है आपको जवाब उत्तर उसका दूंगा, ठीक है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बस छोटा सा काम कर दीजिए। ये जो आपको वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का लाल बटन दिखाई दे रहा है, इसको जो है दबा दीजिए। उसके बाद घंटी के बटन पर दबा दीजिए, उसके बाद ऑल पर दबा दीजिए, ठीक है। इससे ये फ़ायदा होगा कि मैं इस चैनल पे कोई भी वीडियो डालूँगा, मतलब अपलोड करूँगा, तो उसका मैसेज जो है आपके पास पहुँच जाएगा, उस वीडियो को देख पाएंगे, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि आप जो है अपने घर के बोर्ड का, स्विच बोर्ड का जो है कनेक्शन आप खुद जो है कैसे कर सकते हैं वायरिंग करके जो है, ठीक है। देखिए, मैंने एक बोर्ड जो है निकाल कर रख लिया है, जो है आपको दिखाने के लिए। देखिए, इसमें मैंने एक ये सॉकेट लगा दिया है, जैसे कि मान लीजिए कि मोबाइल चार्ज करने के लिए। यहाँ पर देखिए फ्यूज लगा दिया है, ठीक है, और यहाँ पर देखिए दो पंखा कनेक्शन है, ठीक है, और ये एक सॉकेट का स्विच हो गया ये, और ये दो पंखा के लिए और दो जो है लाइट के लिए, ठीक है। देखिए, मैंने इंडिकेटर नहीं लगाया हुआ है क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं थी जो है, लेकिन मैं आपको बता दूंगा जो है कि आप इंडिकेटर जो है कैसे इसमें जो है लगा सकते हैं, जो है यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि मैं यहाँ पे निशान लगाता हूँ कि यहाँ, मान लीजिए कि यहाँ पे आप इंडिकेटर यहाँ पर जो है, एक जो है जैसे कि लग गया, ठीक है, ऐसे, ठीक है। अब मैं पीछे का उलट के अब कनेक्शन जो दिखाता हूँ, जो है कैसे आप जो है जोड़ेंगे जो है लाइट से। तो देखिए, जैसे कि ये आपका फ्यूज हो गया, ठीक है। तो जैसे कि देखिए, मैं अगर आप जैसे कि वायरिंग कर रहे हैं जो है, और देखिए, हाँ चलो ठीक है। और देखिए इसमें बोर्ड, ये मैंने ये प्लास्टिक का मतलब रेडीमेड बोर्ड जो है लिया हुआ है, आपने देखा होगा कि वो सनमाइका का बोर्ड आता है, उसमें जो है मतलब काट के जो है इसमें स्विच और ये सॉकेट या फिर जो भी कुछ इसमें सब फ्यूज वगैरह जो है लगा हुआ है, इंडिकेटर वो सब लगाने के लिए जो है उसको काट के जगह बनाया जाता है। लेकिन देखिए, प्लास्टिक का रेडीमेड बोर्ड अब नया में आ रहा है जो है, जिसमें कि इसमें सांचा पहले से बनाया होता है, आप इसे थोड़ा सा काट के जो है सब कुछ इसमें फिट कर सकते हैं। मैंने भी फिट कर दिया, ठीक है, हेक्सा ब्लेड से जो काट के जो है लगा दिया, सब कुछ फिट कर दिया, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि मैं यहाँ पर जो है एक इंडिकेटर कनेक्शन यहाँ पे जो है, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे आपको इंडिकेटर भी लगाना है, ठीक है, तो आप कैसे जो है कनेक्शन जो है करेंगे, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे इंडिकेटर का दो पर जो लाल बत्ती चलती रहती है, इससे पता चलता है कि बोर्ड में जो है लाइट है, ठीक है। एक एक पॉइंट जो है ध्यान से समझिएगा, ठीक है, बहुत ही आसान है, आप सीख जाएंगे किस तरह से कनेक्शन करना है। जैसे कि दो पंखा है, दो
लाइट के लिए है, एक सॉकेट के लिए है, इसमें जो है देखिए पांच है, एक टिके लगा हुआ है। तो देखिए ये फ्यूज हो गया जो है, जैसे कि ओवरलोड होता है तो यहाँ पे फ्यूज लगाया जाता है, जो पतला वायर जो है जिसकी वजह से तार गल जाता है, जो कनेक्शन कट जाता है, ठीक है। ताकि जो भी हमारे घर में इस बोर्ड में से जो लाइट में से जो भी पार्ट्स, मतलब कि जो भी सामान चल रहा होगा जो है वो खराब नहीं होता, बच जाता है, ठीक है। और आजकल नए ज़माने में जो है मतलब MCB भी लगाया जा रहे हैं, जो आपने देखा हुआ है कि तो ऑटोमेटिक जो है ट्रिप हो जाते हैं, ठीक है। चलिए MCB तो इसे नहीं लगाया हुआ है, MCB के बारे में आप बाद में बता दूंगा जो है, यहाँ पर मैं आपको जो है फ्यूज और इंडिकेटर को जो है लगा दूंगा, ठीक है, लगा दे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको जो है क्या करना है, तो जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर आप बोर्ड में कनेक्शन करना है, तो ये मान लीजिए कि ये न्यूट्रल वायर आ गया और एक फेस वायर आ गया, ठीक है। तो आपको करना ये है कि जो है इसमें जो है एक जो है न्यूट्रल और फेस इसमें ले आकर जो है आपको लगा देना है, ठीक है, ताकि बोर्ड में लाइट जो है मतलब कि जलने लगे। जैसे कि देखते होंगे कि बोर्ड में इंडिकेटर का लाइट हमेशा लाल कलर का, रेड कलर का जलता रहता है, ठीक है, वैसे ही जलता रहे, ठीक है। उसके बाद से अब क्या करना होता है, जैसे कि अब आपको एक फेस तार जो है यहाँ से उठा के जो है यहाँ से आपको इस फ्यूज में देना रहता है, ठीक है, फ्यूज में सीरीज कनेक्शन में जो है पैरेलल में, ठीक है, सीरीज में, देखे सीरीज समझते हैं ना, एक समांतर में, समांतर में मतलब सीरीज में ऐसे करके एक लाइन में जो है, समांतर में तो पैरेलल बोलते हैं, डबल हो गया सॉरी गलती से, तो सीरीज में एक फेज तार जो है यहाँ से आपको जोड़ना है, ठीक, और दूसरा तार यहाँ से लेकर जो है आप जो है यहाँ पर आप जो है स्विच में जो है आ जाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने स्विच में लगा दिया, मैं दिखाता हूँ, देखिए ये स्विच जो सॉकेट को जो कनेक्ट जो मतलब कि कंट्रोल करने की, देखिए सॉकेट को कंट्रोल करने की ये स्विच लगा हुआ है, इस स्विच में मैंने आपको जो है इसमें एक फ्यूज तार जो है लगा दिया, सॉरी फेज तार लगा दिया है, ठीक है, फ्यूज से आने के बाद जो है, ठीक है। और हाँ ध्यान दीजिए कि जो है मतलब फेज तार हमेशा स्विच के जो है नीचे तरफ होता है जो है, ठीक है, ताकि हम कोई भी जैसे कि सॉकेट हो या पंखा हो या लाइट हो जो है हम उसको स्विच से कंट्रोल कर सकें जो है। यहाँ से स्विच बंद करने के बाद जो है मतलब कि पंख फैन में से, लाइट में से जो है, या फिर मोबाइल चार्जर या जो भी कुछ चल रहा है जो है उसमें से कनेक्शन जो है कट जाए, ठीक है। और जो मतलब कि और जो लाइट में है, चाहे फैन में है, चाहे सॉकेट में जो है, दूसरा वाला हमें उसमें जो हमेशा जो है न्यूट्रल वायर दिया जाता है, ठीक है। कि मान लीजिए गलती से अगर स्विच ऑफ है, किसी छू भी दिया जो है तो उसको करंट जो है नहीं लगता है, ठीक है, स्विच से उसको पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। तो सबसे पहला काम कि देखिए यहाँ पे इंडिकेटर न्यूट्रल फेस आने के बाद आप एक फेस वायर उठाएंगे, फिर यहाँ जोड़ देंगे और दूसरा तार यहाँ लगाएंगे, ठीक है, और इसको उठा के सीधा आप जो है देखिए यहाँ पे ये मैंने स्विच में नीचे वाले में लगा दिया है, ठीक है, जो कि ये सॉकेट के लिए बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद इसी में से मैंने दूसरा ये उसी में से तार जोड़ के जो है देखिए ये नीचे जो है ये चारों स्विच में जो है ये ऐसे जोड़ दिया जाता है, ठीक है। अब ये जो है जो जुड़ा हुआ है वायर जो है देख रहे हैं चारों जो है ये फेस है जो है, ठीक है, फेस तार है। उसके बाद देखिए अब क्या करना है आपको, जो है फेस तार हो गया आपका जो है, अब जो है अब देखिए जैसे कि मान लीजिए यहाँ सॉकेट लगा हुआ है जो है, ठीक है, तो सॉकेट यहाँ पर लगा हुआ है जो है, तो एक वायर इसमें से हम न्यूट्रल जो इसमें था जो इंडिकेटर में से उठा के जो है इसमें हम ले आके यहाँ से सॉकेट में जो है जोड़ देंगे, ठीक है, हो गया। अब देखिए स्विच के माध्यम से यहाँ से देखिए यहाँ से फ्यूज मतलब कि फ्यूज में से यहाँ से मैंने फेज तार जोड़ दिया, फिर वहाँ से एक जो है वो न्यूट्रल इसमें जोड़ दिया जो है, ठीक है। अब जो है सॉकेट को न्यूट्रल फेज दोनों वायर मिलने लगा, ठीक है। अब इस स्विच से इस सॉकेट को जो है हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, ये हो गया।
यहाँ सॉकेट को स्विच से ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। इसमें न्यूट्रल फ्यूज दोनों काम करें, कुछ भी मोबाइल चार्ज करना चाहते हैं या जो भी चलाना चाहते हैं आप उसको चला सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से देखिए, अब जैसे कि मान लीजिए ये दोनों जो है लाइट के लिए है, ठीक है। तो जैसे कि अब जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर हमने तो इसमें लगा दिया, अब इसी का जो बाहर से ही जो मतलब कि आप ये न्यूट्रल वाला वायर इसमें जो आ रहा है तार में जो है, तो इसी में से एक न्यूट्रल तार जो है आप लेंगे जो है, और दोनों जो है लाइट का जो कनेक्शन है जो है एक पॉइंट जो है दोनों लाइट का और दोनों पंखा का जो है उसमें जोड़ देंगे, ठीक है। समझ आ गई मेरी बात। उसके बाद से आपको देखिए क्या करना है, जैसे कि मान लीजिए कि लाइट का इसको मान लेते हैं, ठीक है। अब इसमें से एक तार जोड़ के है जो है दूसरे लाइट में जोड़ देना, लाइट वाले में जोड़ देना है एक जो पॉइंट खाली है, फिर इसमें से एक पॉइंट ले जाकर जो है इसमें से जो है दूसरे लाइट में जोड़ देना है, ठीक है। अब इसका भी सर्किट पूरा हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ से जो है हम स्विच ऑन करेंगे तो फेज और न्यूट्रल पर जोड़ी जुड़वाई दिया बताया मैंने आपको, फिर यहाँ से भी स्विच ऑन करेंगे जो है तो यहाँ से फेज जाएगा जो है और न्यूट्रल ऊपर से ही हमने जोड़ दिया है, ठीक है, चला जाएगा। फिर देखिए वैसे ही यहाँ पे पंखा का, जैसे पंखा का इंडिकेटर कैसे लगाते हैं, जैसे कि जो कि उसका जो है स्पीड घटाने बढ़ाने के लिए जो है इंडिकेटर जो है ये लगा होता है, ठीक है। तो इंडिकेटर के लिए देखिए इसका कनेक्शन जो है इसमें ऐसे ये जोड़ के जो है पहले स्विच में लगाते हैं जो है, ठीक है। मतलब यही न्यूट्रल वाला वायर है जो है, न्यूट्रल नहीं फेज इसमें से जाएगा जो है, मतलब यहाँ से मैं स्विच ऑन करूँगा जो है तो यहाँ से दोनों सर्किट मिल जाता है जो है, और इससे होके जो है मतलब कि जाता है फैन में, ठीक है। मतलब एक तो न्यूट्रल तार तो आपने जोड़ ही दिया है ऊपर से जो है, अब इस वायर को जो है दूसरे वाले पॉइंट में ले जाके आप जो है मिला देंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप स्विच जब ऑन करेंगे जो है तो फेज लाइट जो है पंखा में जाएगा तो पंखा जो है आपका चलने लगेगा, ठीक है। फिर सेम टू सेम यही काम इस दूसरे फैन में भी आपको करना है, ठीक है। इसी में दो दो लगा दिया है ताकि समझने में जो है आपको जो आसानी रहे, जो है बड़ा सा रूम है, दो लाइट दो पंखे की जरूरत थी जो है इसलिए मैंने दो दो कर दिया है, ठीक है। देखिए यहाँ मैंने ये इसका इंडिकेट इसमें जो कंट्रोलर का जो है यहाँ से इसमें लगा दिया है जो है, अब ये दूसरा वाला वायर इसमें जो है ये ले जाके हम पंखा में जोड़ देंगे और न्यूट्रल पॉल ही जो है लगा चुके हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है अपने घर के किसी रूम में जैसे कि मान लीजिए दो पंखा लगा हुआ है, दो लाइट लगा हुआ है जो है, और एक सॉकेट का, एक इंडिकेटर का, एक फ्यूज का जो है, आप बोर्ड में कनेक्शन जो है बड़ी ही आसानी से जो है कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको सब कुछ एक एक पॉइंट जो है अच्छी तरीके से समझा दिया है, ठीक है, और आपको जो है समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी आपको कुछ ऐसा लगता है कि अगर समझ में नहीं आ रहा है जो है तो आप कमेंट कर सकते हैं जो है, मैं उनको बताऊंगा, ठीक है, ओके। तो उम्मीद करता हूँ, चलिए, अगर वीडियो को अच्छा लगा होगा, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर एक और मज़ेदार वीडियो के साथ हम मिलेंगे। चलिए, टेक केयर, गुड बाय।